नमस्कार। नाइन्थ ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से। आज हम लेसन दो भाग दो बनाने जा रहे हैं, जिस कल हमने पूर्वी घाट तक देखा था। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वो है महेंद्रगिरी। आज हम उसके बारे में जानेंगे, मैप में वो कहाँ पर है महेंद्रगिरी। ऐसे ही पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है अनाईमुदी। मैप में वो कहाँ पर है उसके बारे में भी जानेंगे और इसका क्या विशेषताएं हैं वो जानेंगे। उसके अलावा जो भारत का हिमालय पर्वत है उसके विस्तार कैसे हुआ उस सब के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न भू आकृतियाँ हैं भारत में, जैसे कि हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, कल के भाग में हमने पूर्वी घाटों के बारे में जाना था। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी। तो चलिए सबसे पहले इसे मैप में देख लेते हैं कि महेंद्रगिरी है कहाँ। देखिए, आपको बुक में ये मैप दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो ये आपको महेंद्रगिरी पर्वत दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर लिखी हुई है। तो ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है अनाईमुदी। देखिए, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695। तो चलिए अब हम जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारे पश्चिम घाट हैं। आज हम पश्चिमी घाटों की बात करेंगे। देखिए, हमने दोनों के जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो देख ली, पूर्वी घाट की भी और पश्चिमी घाट की भी। हम पश्चिमी घाट की विशेषताएं जानते हैं कि क्या विशेषताएं। देखिए, पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार के पश्चिम सिरे पर है। इनका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। देखिए, हमने इन्हें कहाँ देखा था अपने मैप में, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे हमारा क्या था, कन्याकुमारी, और उसके साथ ही हमने इसका अनाईमुदी पर्वत देखा। इसका जो विस्तार है वो सतत है, मतलब लगातार होता रहता है। इसके एग्जाम्पल थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रों से इसे पार किया जा सकता है। इनकी ऊंचाई जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। जो इनकी एवरेज औसत ऊंचाई जिसे हम कहते हैं वो 900 से 1600 मीटर तक है, और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुदी, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हमने मैप पे देख लिया। चलिए अब हम आगे जानते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए, हिमालय पर्वत एक जटिल पर्वत है। पहले हम मैप पे इसे देख लेते हैं, काम करते हैं। देखिए, ई बुक में आपको दिया हुआ है मैप इस तरह से। तो आप देखिए, ये लिखा हुआ है हिमालय पर्वत। तो ये सारा जितना आपको दिखाई दे रहा है वो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चलिए अब हम उसे समझ लेते हैं कि है क्या हिमालय पर्वत। चलिए ये देखिए, हिमालय एक जटिल पर्वत प्रणाली है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की आंतरिक भागों में हलचल के कारण प्रायद्वीपीय पठार उत्तर की ओर खिसकने लगा। इससे टेथिस सागर में लगातार जमा होता हुआ मलबे में दबाव पड़ने लगा, जिससे कि महान हिमालय की उत्पत्ति। देखिए, जब हमने जाना था प्लेटों के बारे में, जब प्लेटें एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन से टकराती हैं तो भू आकृति में बदलाव आता है, तो या तो वो ऊंची उठेंगी, तो इससे ही पर्वतों का निर्माण होता है। देखिए, अब हिमालय पर्वत का
जो निर्माण है वो 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। चलिए अब हम इसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसे हम आगे जानेंगे। इन्हें शिवालिक के नाम से भी, जो लघु हिमालय है उसे हम ही शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम जानते हैं इससे आगे कि भू आकृतियाँ क्या होती हैं। देखिए, भू आकृतियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सब भू आकृति हैं। देखिए, जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं, या तो वो पहाड़ों का निर्माण करती हैं या घाटियाँ जिससे कि द्वीप बन जाते हैं, जब वो एक दूसरे को दूर धकेलती हैं तो उससे द्वीप बन जाते हैं। देखिए, जब ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगी तो ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ कोई ना कोई झील, घाटी या द्वीप बन जाएंगे। कुछ जहाँ प्लेटें समांतर चलती हैं वहाँ मैदान बन जाएंगे। तो अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं। वो आकृतियाँ देखिए छह तरह की: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये हिमालय पर्वत की एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। देखिए, हिमालय पर्वत क्या है? नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है। हिमालय का विस्तार चाप के आकार में उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर विस्तृत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में है। 6000 मीटर ऊंचे शिखर एवं गहरी घाटियां हैं इसमें। हिमालय पर्वत का कायांत्रित शैलों तथा कमजोर अवसादी चट्टानों से बना हुआ। देखिए, जो हिमालय पर्वत बना है वो कायांत्रित चट्टानों और कमजोर अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। उसके अलावा हिमालय पर्वत के तीन मुख्य भाग हैं जिसे हम कहते हैं हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ, तीसरे श्रेणी। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ युवावस्था में बहती हैं और अनेक गार्ज, जल प्रताप और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। चलिए, ये हमने हिमालय पर्वत आपको मैप में दिया गया। देखिए, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इन्हें जान लेते हैं। मध्य हिमालय किसे कहते हैं हम? महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है, अथवा लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हिमालय हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और रूपांतरित शैलों से हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, देखिए, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, और जो चढ़ाई है वो 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल, धौलाधार एवं महाभारत की श्रृंखला इस पर स्थित है। लघु हिमालय में कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी जो है, कांडला की घाटियां इसमें हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे। चलिए अब हम हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है और उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। फिर कंचनजंगा, जो कि भारत में है, 8598। मकालू नेपाल में है, 8481। धौलागिरी भी नेपाल में है, 8172। नंगा पर्वत ये भारत में ही है, जम्मू कश्मीर में, 8126। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, 8078। नंदा देवी ये भारत में है, 7817। कामेट ये भी भारत में है, 7756। नामचा बरुआ ये भी भारत में है, 7756। गुरुआ मंधाता
नेपाल में है, 7,728 मीटर ऊंचाई है। ये हिमालय के कुछ शिखरों के नाम हैं और उनकी ऊंचाइयां हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे। देखिए अभी हमने किन किन पर्वतों की बात की, ये सब इसी के अंडर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसे। मध्य उच्च भूमि, यह भाग नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार पर अधिकतर भागों में फैला है। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्याचल से लेकर उत्तर में अरावली तक है। मालवा के पठार का अधिकतर भाग इसी क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए हमने आपको कहा था हिमालय के तीन भाग हैं, एक हमने भी पढ़ा, ये दूसरा भाग है मध्य उच्च भूमि। यह पश्चिमी चौड़ा और पूर्व की ओर संकरा है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। बुंदेलखंड तथा बंधेलखंड इस पठार के पूर्वी विस्तार हैं। इसके पूर्व के विस्तार को छोटा नागपुर के पठार से भी जाना जाता है। तो देखिए हिमालय के ये दूसरा भाग हो गया। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगले भाग में जानेंगे। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।